Dear students, welcome to Saath Learning Management System. Kamyabi Hamare Saath. Dear students, aaj hum study karenge MD CAT Chemistry mein se transition elements. Hum study karenge transition elements mein complex formation, color of transition metal complexes, ज्योमेट्री एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाती है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है. इसकी एग्जांपल जैसे कोबाल्ट का ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है. इनकी डिटेल्स देखते हैं. सेंट्रल मेटल आयन, इट इज ए मेटल और आयन विच इज सराउंडेड बाय लाइगेंड्स. फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्सेस K4FeCN6. इसमें जो Fe है ये सेंट्रल मेटल आयन है. K आयन को बैलेंस करने के लिए कैटाइन है लेकिन वो सेंट्रल मेटल नहीं है. आयरन सेंट्रल मेटल आयन है क्योंकि वो लाइगेंड्स से सराउंडेड है. इसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स है AgNH3-2Cl. इसमें सिल्वर Ag यानी कि सिल्वर इसमें सेंट्रल मेटल एटम है. तो सेंट्रल मेटल एटम वो मेटल एटम होता है जो लाइगेंड्स से सराउंडेड होता है. नेक्स्ट है लाइगेंड्स. द एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम आर कॉल्ड लाइगेंड्स. लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं K4FeCN6. तो इसमें जो CN है साइनाइड, ये लाइगेंड है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हुए हैं आयरन को. इसी तरह AgNH3-2Cl, इसमें NH3 लाइगेंड है, इसने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हुए हैं सिल्वर को. लाइगेंड्स में भी न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड. जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में साइनाइड CN, ये नेगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड है लेकिन NH3 न्यूट्रल लाइगेंड है. दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हुए हैं लेकिन एक पर चार्ज है और एक न्यूट्रल है. इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड भी हो सकते हैं. लाइगेंड्स की टाइप्स कुछ इस तरह से भी होती हैं, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट. मोनोडेंटेट लाइगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं. इसकी एग्जांपल्स हैं OH, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए. वैसे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हैं लेकिन वो डोनेट नहीं होते. OH जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करता है. इसी तरह CN है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए. क्लोरीन क्लोराइड है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए. बाईडेंटेट, दीज लाइगेंड्स हैव टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू डोनेट. जैसे ऑक्सैलेट आयन है, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये भी ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. हाइड्राजीन है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. पॉलीडेंटेट भी होते हैं जो कि दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. जैसे कि इथाइलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हेक्साडेंटेट लाइगेंड. तो लाइगेंड्स की टाइप्स हैं मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट.
ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम के राउंड जितने लाइगन एटम्स होते हैं, जैसे कि K4FeCN6 है, तो इसमें 6 साइनाइड हैं जिन्होंने आयरन को सराउंड किया हुआ है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं, तो इस कंपाउंड में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसी तरह AgNH3 2 में, 2Cl में दो लाइगेंड हैं, NH3 के दो हैं, तो इसलिए सिल्वर का यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम प्लस लाइगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लार्ज पेरेंथेसिस में सेंट्रल मेटल एटम है और लाइगेंड है, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जैसे KFeCN6 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6 -4। -4 इस पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है और 6 इसमें साइनाइड है, सेंट्रल मेटल एटम आयरन है। इसी तरह AgNH3 2Cl में AgNH3 2+1 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कीलेट्स, कीलेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लाइगेंड आर कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल मेटल एटम इन सच अ वे दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन वन और मोर रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। कीलेट्स आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंड कोऑर्डिनेशन में हो और वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना लें तो वो एक कीलेट बन जाता है, जैसे कि डाइऑक्सैलोप्लैटिनेट 2-ion। इसमें ये स्ट्रक्चर भी इसका आप देख सकते हैं, डाइऑक्सैलोप्लैटिनेट 2-ion में 2 ऑक्सैलेट आयन हैं जिन्होंने प्लैटिनम को 2-2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए हुए हैं और रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये एक कीलेट बन गया है। एक एमसीक्यू लेते हैं, फॉलोइंग इज बाइडेंटेट लाइगेंड। को याद होगा मैंने यहाँ पर कहा था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो फॉलोइंग इज बाइडेंटेट लाइगेंड, बाइडेंटेट लाइगेंड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, हाइड्रोक्साइड इसके पास तो डोनेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सैलेट इसके पास 2 हैं, वाटर के पास 1 है, अमोनिया के पास भी 1 है, तो ऑक्सैलेट जो है ये आंसर है। ऑक्सैलेट एक बाइडेंटेट लाइगेंड है इन तमाम लाइगेंड्स में से। रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, केटाइन इज नेम्ड बिफोर एनाइन, एनाइन से पहले केटाइन का नाम लिखा जाता है। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर लाइगेंड्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक से ज्यादा लाइगेंड्स हों तो फिर उनको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, जैसे अगर साइनाइड और अमोनिया होगा तो पहले अमोनिया लिखा जाएगा, साइनाइड बाद में लिखा जाएगा। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लाइगेंड्स आर प्लेस्ड एज एनायनिक न्यूट्रल केटायनिक। अगर लाइगेंड्स डिफरेंट हों तो पहले एनायनिक होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, फिर न्यूट्रल होगा और फिर केटायनिक होगा, लेकिन नाम लिखने में, नेम में ये अल्फाबेटिकली होंगे। द प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एटसेट्रा आर यूज्ड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ लाइगेंड्स। द नेम्स ऑफ नेगेटिव लाइगेंड एंड इन सफिक्स ओ, यहाँ पे डैश नहीं पढ़ना, ओ, जैसे साइनाइड है अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे क्लोराइड है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोराइड को क्लोरो लिखेंगे, साइनाइड को साइनो लिखेंगे। द नेम्स ऑफ न्यूट्रल लाइगेंड आर यूजुअली अनचेंज, जैसे NH3 है तो इसको अमाइन ही लिखेंगे, H2O है तो इसको एक्वा लिख देंगे, CO है तो इसको कार्बोनाइल लिख देंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर नेगेटिव चार्ज हो, अब ये बात याद रखिए जब हमने पहले पढ़ा तो वो लाइगेंड पर नेगेटिव चार्ज था, ये पॉइंट बता रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर नेगेटिव चार्ज हो
तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के एंड पर हम ATE का इजाफा कर देंगे, एट लिख देंगे, जैसे प्लैटिनेट है या क्यूप्रेट है या प्लैटिनेट क्यूप्रेट कॉपर से और प्लैटिनम से प्लैटिनेट। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटन इन पेरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ मेटल बाय रोमन न्यूमरल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे K4FeCN6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और इसके जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें हाइब्रिडाइजेशन है D2SP3, यानी D के दो ऑर्बिटल हैं इसमें, एक S और तीन P, तो ये 6 ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनो के बाद A का इसमें इजाफा हो गया नाम में, HEXACYANO है, साइना नहीं है साइनो है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। अब पोटेशियम क्या है, पोटेशियम केटाइन है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है और पोटेशियम केटाइन है, तो केटाइन पहले लिख दिया। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बारी आई तो उसमें हेक्सा साइनो का मतलब है कि 6 साइनाइड हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है। फेरेट आयरन को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, और 2 जो है ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। एक MCQ लेते हैं, नेम ऑफ K2CuCN4 इज पोटेशियम टेट्रा साइनो क्यूप्रिक। अब ये देखें कि K2 है, इसका मतलब है कि पोटेशियम केटाइन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है, तो कॉपर के साथ क्यूप्रेट आना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में क्यूप्रेट होगा वो हम देखते हैं, पोटेशियम टेट्रा साइनो क्यूप्रेट। अब इसमें वैलेंसी लिखी हुई है 2, तो क्या 2 बनती है, केटाइन पर पोटेशियम है, 2 एटम है तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, साइनाइड 4 नेगेटिव चार्ज हो गया, 4 माइनस 2 रह गया, इसका मतलब है कॉपर की वैलेंसी 2 है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है, तो ये नाम दुरुस्त है, पोटेशियम टेट्रा साइनो क्यूप्रेट। पोटेशियम टेट्रा साइनो क्यूप्रस भी नहीं हो सकता और इसकी वैलेंसी 1 भी नहीं हो सकती, तो आंसर है पोटेशियम टेट्रा साइनो क्यूप्रेट 2। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ए सब्सटेंस इज कलर्ड इफ इट एब्जॉर्ब्स ए पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट एंड ट्रांसमिट्स द रिमेनिंग लाइट। व्हाइट लाइट यू नो उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस उनमें से कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और बाकी रिमेनिंग जो है उनको ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो इस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है कौन से ट्रांसमिट कर रहा है। The color of substance is complementary color of that part of visible light which is absorbed. जो color हमें नजर आ रहा होता है वो उस color का complementary होता है जो color substance ने absorb किया होता है। In transition complexes, color is due to presence of partly filled d orbital. Transition metal complexes इसलिए color नजर आते हैं क्योंकि उनमें partly filled d orbitals होते हैं और unpaired electrons होते हैं, तो वो electrons एक्साइट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से वो कलर नजर आते हैं। कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। व्हेन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दे स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको मालूम है कि डी ऑर्बिटल के में 5 होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 होते हैं, तो ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक की एनर्जी हाई हो जाती है सेट की और दूसरे सेट की एनर्जी लो हो जाती है, जिनको कहते हैं T2G एंड EG। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो T2G से EG में ट्रांसफर हो जाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स वापस T2G में आते हैं तो हमें वो सब्सटेंस कलर नज़र आता है। जैसे
यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टी टू जी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्प्लिट हो गए, ई जी में दो चले गए और टी टू जी, तो टी टू जी से इलेक्ट्रॉन ई जी में चला गया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जब ये वापस आएगा तो ये एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी हमें कलर नजर आएगी। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द कलर डायग्राम। ये कलर डायग्राम है, इसको आप यूज कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि किस तरह से कलर्स नजर आते हैं। जैसे इसमें एरो है रेड लाइट के ऊपर कि रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो एमिट होगी येलो एंड ब्लू, दो रेडिएशन, दो वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट होंगी येलो एंड ब्लू। अब हमें वो सब्सटेंस नजर आएगा येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन यानी के ग्रीन, क्योंकि वो दो लाइट्स एमिट कर रहा है येलो भी और ब्लू भी, तो फिर वो हमें ग्रीन नजर आएगा। इफ ए कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स रेड लाइट इट विल अपीयर ग्रीन एंड एमिट येलो एंड ब्लू लाइट। एक एमसीक्यू देखते हैं, इफ ए कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट इट विल एमिट येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, वायलेट लाइट। लेकिन जब कोई ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो और रेड इमिट करेगा, क्योंकि फिगर में आप देखें अगर तो ब्लू के सामने ऑरेंज है, ऑरेंज वो नजर आएगा और ऑरेंज के दाएं येलो और बाएं रेड है, तो ये दो कलर एमिट होंगे। इसमें धोखा ना खाइएगा, येलो एब्जॉर्ब होगी, ऑरेंज वो नजर आएगा, ग्रीन और वायलेट के इसमें कुछ नहीं है, तो येलो लाइट एमिट करेगा। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। आपके सिलेबस में दो हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लाइगेंड्स दैट सराउंड सेंट्रल मेटल एटम। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें दो ज्योमेट्रीज अवेलेबल हैं, जैसे टेट्राहीड्रल और स्क्वेयर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है कॉम्प्लेक्स का तो वो टेट्राहीड्रल हो सकता है या स्क्वेयर प्लेनर हो सकता है। टेट्राहीड्रल होगा अगर डी जीरो या डी टेन है सेंट्रल मेटल एटम, और स्क्वेयर प्लेनर होगा अगर डी एट है यानी डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जैसे जिंक और साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि चार लाइगेंड हैं तो टेट्राहीड्रल फैशन में अरेंज हो जाएंगे। इसी तरह डी एट है तो फिर वो स्क्वेयर प्लेनर में अरेंज होगा, जैसे प्लाटिनम, अमोनिया और क्लोरीन का कॉम्प्लेक्स है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर वो ऑक्टाहीड्रल होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें लाइगेंड कौन सा है, कोई भी लाइगेंड हो वो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री ही बनाएगा। ये दो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्रीज आपके सामने शो की गई हैं, जैसे Fe(H2O)6 3 प्लस चार्ज के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और AlF6 3 माइनस के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दोनों सूरतों में आप देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लाइगेंड इस तरह से अरेंज हुआ है, तो थोड़ा मैं आपको एरो से शो कर दूं कि ये वाटर के चार मॉलिक्यूल ये प्लेन में होंगे और आयरन भी प्लेन में होगा, और ये जो है ये प्लेन से बाहर होगा, और ये पूरी जो ज्योमेट्री है इसको हम कहेंगे कि ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री बन गई है। एक एमसीक्यू लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 5, 4, 6। आंसर इज 4। Dear students, thank you very much.